अबे यार एक्स खराब हो गए कबूतरों के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? मेरे को तो ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी ना मैं ऊपर आया हूँ और इधर से ही मुझे स्मेल आ रही है, अंडे ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मेल है इनकी। तो यार मैं एक दिन और अंडे काले भी हो चुके हैं, तो कबूतरों के इस एक फीमेल के तो अंडे हो चुके हैं ख़राब। ये आगे वाला, ये आगे वाली फीमेल है ना, ये वाली इसके अंडे ख़राब हो चुके हैं और अब इसके अंडों में से कभी बच्चे नहीं निकालते, तो बदबू भी पड़ चुकी है इसके अंडों में। तो यार इसको उठा के फेंकना है सबसे पहले तो। और दोस्तों आज हमारी ब्राउन मुर्गी ऊपर नहीं आई, पता नहीं यार उसे क्या हो गया, वो कुड़ुक हो चुकी है फुल, तो और अब वो ना आराम से बैठी हुई है, जैसे कुड़ुक हो चुकी है, पता नहीं किसी चीज़ के ऊपर बैठी हुई है, उठ ही नहीं रही ना। वो पहले पिंजरा हम खोलते थे तो वो बाहर निकल आती थी फ़ौरन, लेकिन अब वो बाहर निकल ही नहीं रही। और इधर हमारी ब्लैक मुर्गी भी कुड़ुक होने के आसपास ही है, देखते हैं ये कब गिरती है कुड़ुक। अभी तो इसको दो तीन एक आधा हफ्ता है पड़ा, फिर इसके बाद ये आराम से कुड़ुक होएगी, लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम है, अभी हम इसको नहीं छेड़ते ज़्यादा। अभी इस कल इसने अंडा दिया, आज नहीं दिया, और कल दोबारा इसने अंडा दिया और खा गई। यार बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे तो, कि अंडे दे के वो खाना शुरू कर दिया ना इसने, ये बहुत गलत है। और हमारे चूजे आपको मैं दिखाऊँ, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। एक आधा हाथ में आ जाए, अच्छा आ जा आ गई। अबे यार चीख रही थी ना, वैसे तो मैंने फीमेल को पकड़ लिया और मेल गुस्सा कर रहा है। अबे हैं चल, अबे यार इसको फ़ौरन से चीखना लग जाता है। और ये हमारी फीमेल आ चुकी है और इसलिए दुम भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हमारे मेल की भी दुम निकलना शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी फीमेल काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो चुकी है माशाल्लाह से। और कुछ टाइम में ये अभी और हाइट निकालेगी, देखेंगे देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है। इतने छोटे छोटे से हम लाए थे, कितने थे हम लाए थे मुझे ये भी याद नहीं है, तो भूल गया हूँ। मेरे ख्याल से हम लाए थे पांच, हाँ पांच, एक फार्मी था और चार चूजे थे, चार छः ऐसा छः थे, बल्कि चार देसी, बल्कि पांच देसी और एक फार्मी था हमारे पास। तो उनमें से ये दो बच्चे और ये इतने जब मैं लाया था फुल इतने से थे, लेकिन माशाल्लाह से अब आप देख सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं। बाकी तो हमारे बाकी चूज़े भी तो है थे हमारे पास, लेकिन यार आपको पता है वो वायरस की वजह से सारे मर गए, सारे के सारे ए टू जेड सारे मर गए। इसके ब्लैक मुर्गी के भी बच्चे थे और जो हमारे ब्राउन मुर्गी नीचे है उसके भी बच्चे थे, सारे के सारे मर चुके। और हमारी दो तीन, मुझे उम्मीद है मैंने आपको नहीं बताया होगा, इसने नए दो अंडे उतार दिए। ये देखें मैं आपको गौर से दिखा रहा हूँ, इसने दो अंडे दे दिए नए और अब इसके हो चुके हैं चार अंडे। और हमारे, मुझे उम्मीद है कि अंडे इसके ख़राब नहीं हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके इधर अब बच्चे निकल आए ना तो हमारे सेटअप पे रौनक लग जाएगी, बहुत ज़्यादा तोते हो जाएंगे हमारे पास। अभी हमारे पास कितने नौ हैं, तो एक फीमेल से जिसमें से हमारे पास हमने दो लिए हैं पकड़े हैं और एक पकड़ी है, बल्कि चार हमने खरीदे और पकड़े वाले हैं वो हैं, और बाकी जो पाँच है ना पाँच है ना, मैं भी गिन के बता दूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, एक दो तीन चार पाँच, हाँ पाँच, बाकी जो पाँच है ना वो हमारी फीमेल के अपने बच्चे हैं। और ये माशाल्लाह से बड़े हो चुके और ये भी ब्रीड भी उतरेंगे कुछ टाइम में, ये ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। और हमारी फीमेल का जो पेयर है ना, इसकी चार पाँच साल पुराना पेयर है, तो ये बहुत ओल्ड पेयर में आप कह सकते हैं ये है। तो अब देखें इसलिए थोड़ी थोड़ी बूढ़ी फीमेल तो मुझे लगता है बूढ़ी हो चुकी है, मेल माशाल्लाह से अभी भी फिट है फीमेल, ये कोई अभी हाल सही नहीं है, इतना ख़ास साफ नहीं है फीमेल, लेकिन मेल अभी तक फुल फिट है, जैसे जवान एक होते नहीं है तो वैसे। अभी मैं अपने परिंदों को ना पानी डाल देता हूँ, अभी ये सारे पानी का इंतजार कर रहे हो। मुर्गे को भी आज पता नहीं मुर्गा बहुत ज़्यादा गुस्से में, ये इधर आपको पता है इसके बाद जाके मैं बैग से ला के इसे बंद करना पड़ता है, मैं इधर था और ये उधर था, उधर से इसने अटैक किया इधर तक आया मेरे पास। और अब ये ना समझता जा रहा है कि किस तरीके से मैं इसे ऊपर से करके नीचे से बंद कर देता था, लेकिन अब ये समझ आता है ऊपर से आएगा तो ये इस तरफ निकल जाता है। अब ये बहुत तेज़ हो रहा है, अगर ऐसे ही तेज़ होता रहेगा ना तो हमारी शामत आने वाली है भाई, इसलिए हमें बहुत तंग करना है, बहुत ज़्यादा तंग करना है इसने। और ये देखें अभी भी ये कुड़ुक हो रही है, देखें इसकी आवाज़ से मैं बता सकता हूँ कि अभी दिन टाइम में कुड़ुक हो जाएगी, आपको भी पता चल गया होगा कि कुछ टाइम में ये कुड़ुक हो जाएगी। लेकिन अभी मैं मुर्गे को पानी डाल देता हूँ, जो मेरा मेन टास्क है ना यार, इसको पानी डालना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों आज नहीं लेकिन कल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ना अपना डफ का बच्चा दिखा, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसका कलर भी इतना प्यारा है ना मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और उसके पर भी फुल आ चुके हैं, फुल अडल्ट होने वाला है, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर वो फुल अडल्ट हो जाएगा। तो अभी मैं मुर्गे को पानी डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ना अपने मुर्गे को पानी डाल दिया, और नहीं यार गिराई ना भाई। और जो इसके बर्तन की हालत है ना, मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज करके, जो इसके बर्तन की जो हालत है ना, इसने सारा का सारा इन्होंने ख़राब, सिर्फ मुर्गे ने, इस मुर्गे ने सारा का सारा ख़राब कर दिया। और अब मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा से ज़्यादा
एक महीना भी निकाल सके। ये जो बर्तन इसने हालत की हुई है, सारा तोड़ दिया, एक महीना मुश्किल से निकालेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा ये। और अभी आपने देखा ऐसे जिसके पास जो ना पानी गिरा देता है, मुर्गे को मारता है, इसकी उल्टी हर उल्टी हरकत इसकी है ना, हर जो उल्टा काम होगा ना जो परिंदे नहीं करते वो उल्टा काम ये करता है, हर उल्टा काम इसने करना है, हर एक उल्टा काम करना है इसने। अब मैं इधर उधर जाऊंगा, इसका मगे पानी पी रहा तो पानी पी, लेकिन इसने पानी को पाँव मार के गिरा देना ताकि मुझे दोबारा डालना पड़े। फीमेल खड़ी है इसके साथ, मुर्गी खड़ी है इसके साथ, तो उसको इसने मारना है ताकि क्या भाई मुझे मैंने इसे क्या कहना है, भाई उसे पानी डालना है, मुझे भी गुस्सा करता है कि अभी तो हमारे चूजे रह गए हैं, इनको मैंने पानी डालना है, ये इंतज़ार करेंगे थोड़े, इनको मैं नीचे जाकर पानी डालूंगा क्योंकि यार फिर ना इनका पानी गिर जाता है। और हमारे कबूतरों के मैं आपको अंडे दिखा देता हूँ कि वाकई ही ये ब्लैक हो चुके हैं। अबे भाई स्मेल इधर तक आ रही है, हट जाओ भाई इधर, हट हट। ये देखें अंडों का कलर देखें, ब्लैक हो चुका अभी भाई, ये भी निकलने वाला था ये वाला कबूतर। अभी ये ऊपर लड़ रहे हैं तो मैं ज़्यादा आपको क्लोज से नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी ये वाला कबूतर वाइट वाला ना अभी उड़ के निकल चक गया होता अभी तक। तो दोस्तों इसके साथ ही करते हैं वीडियो के एंड, बहुत दुख हो रहा है यार मुझे कि मेरे कबूतर के अंडे हो चुके हैं ख़राब। तो इंशाल्लाह अब सीज़न आ रहा है तो हमने फुल ब्रीडिंग वाला सेटअप बनाया, टोटली ब्रीडिंग करवानी है फुल। हमने कबूतर मैंने जितने हैं ना डबल ट्रिपल कर देने हैं कि ब्रीडिंग में जो अब होने वाली ब्रीडिंग चीज से ये डर रहे हैं सारे। तो ब्रीडिंग जब सीजन आने वाला है ना, इसमें मैंने फुल ट्रिपल कर देने अपने कबूतर, फुल ब्रीड करवानी है, ए टू जेड सारे परिंदे की ब्रीड करानी है, मुर्गियों तोते कबूतर डव सबकी मैंने ब्रीड करवानी है। तो दोस्तों अभी के लिए जाते थे दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल लाइव विद बर्ड्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए जाते थे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।